दोस्तों फाइनली एसएससी सीएचएसएल टायर 2 के जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। कल जो है सीपीओ वालों का नोटिफिकेशन आउट हुआ था आंसर की को लेकर, आज जो है सीएचएसएल का जो है रिजल्ट का जो है गुड न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल साइट पर हूँ। तो अगर आप एक न्यू व्यूअर है ना तो अभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती हैं। आपको एसएससी पर स्पेसिफिक वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने एसएससी की जितनी भी पोस्ट है ना उसके बारे में बताया हुआ है कि किसकी पोस्ट पर जो है कौन कौन से एग्ज़ाम एसएससी जो है कंडक्ट कराती है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक एग्ज़ाम की वीडियो आपको इस चैनल पर जो है मिल जाएगी। मैंने सभी पे जो है स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, यूपीएससी पे भी बना रखी है, यूपी ट्रिपल एससी पे भी बना रखी है, बैंक पे भी, एसएससी पे भी। तो आप जो है एक बार जो है ज़रूर देख लेना। चलिए बात कर लेते हैं आपके एसएससी सीएचएसएल। जैसे कि आपको पता है आपने जो है काफ़ी जो है स्ट्रगल किया, पहले जो है आपने टायर 1 दिया, टायर 1 में जो है पास होने के बाद आपने जो है टायर 2 का जो है पेपर दिया है। जैसे कि इसमें 3 जो है प्रोसेस होते हैं, टायर 1 जिसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम दिया गया था, जिसमें जो है आपके वही इंग्लिश मैथ रीजनिंग और क्वांट आए थे, 200 मार्क्स का जो आपका पेपर आया था, और उसका जो है रिजल्ट जो है 4 अगस्त को आउट हो गया था। ठीक है, अब जो है ये जो रिटर्न एग्ज़ाम आपका टायर 2 का, अभी जो टायर 2 का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ जो कि 18 सितंबर को हुआ था, जिसमें आपके एसे 200 वर्ड के काउंट करवाए गए थे और लेटर जो है 150 से 200 का वर्ड के थे। तो ये जो है आपका जो है 100 नंबर का पेपर था, इसमें जो है आपको 60 मिनट जो है दी गई थी ड्यूरेशन टाइम के लिए। ठीक है, तो इसके जो है रिज़ल्ट का जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं वही मैं आपके लिए गाइस गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि जो इसमें पास होंगे, ठीक है, जो इसमें जो है पास होंगे वही जो है टायर 3 में यानी कि स्किल टेस्ट के लिए जा पाएंगे, सिंपल सी बात है। और बाद में फिर इनका डीवी होगा, तो इन सब में जो है आपका जो है ये तो 2022 तो चलाई जाएगा, अब 2023 में जो है जाके कहीं ज्वाइनिंग वॉइनिंग आपकी लगेगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आपके इसके रिजल्ट को लेकर। तो जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम होने के जो है 1.5 मंथ बाद जो है रिज़ल्ट जो है आउट हो जाता है, 1.5 मंथ बाद जो है रिज़ल्ट आ जाता है गाइस। तो आपका जो है सितंबर में हुआ था, इस हिसाब से आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन एसएससी की ऑफिशियल साइट पर कुछ वजह से जो है रिज़ल्ट जो है डाउनलोड नहीं किया गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि कल ही जो है नोटिस जारी हुआ था सीपीओ की आंसर की का लेकर। अब जो है आपका जो ये रिज़ल्ट है ये जो है कल को जो है इस ऑफिशियल साइट पर जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है, कल जो है आपका रिज़ल्ट आएगा, कल नहीं आया तो परसों ज़रूर आएगा। अब ये मत कहना है ना कल या परसों, मतलब 1 या 2 दिन में आपका रिज़ल्ट जो है गाइस आने ही वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है आपका दिन, आपका जो है रिज़ल्ट जो है आउट होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, और मैं तो बस यही कहती हूँ कि आप जो हैं सभी जो हैं इस रिज़ल्ट में जो है पास हो, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव निकले। ठीक है ना गाइज, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सो मच दिस वीडियो।